दिग्गजों के दौरे चुनाव को लेकर लगातार जारी। आज मायावती ने जांजगीर में प्रचार किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल को कोरबा में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सबको तैयारियां बांट दी गई हैं, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। प्रधानमंत्री की सभा के लिए भाजपाइयों ने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया। पीले चावल देकर वो लोगों को इस सभा में मोदी को सुनने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही 23 अप्रैल को जो इलाके में चुनाव है उसके लिए मतदान डालने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, पैम्पलेट बांट करके भी। तो प्रधानमंत्री मोदी की सभा है, कोरबा दौरे पर वो आने वाले हैं। 16 अप्रैल को पीएम के इंदिरा स्टेडियम में होने वाले सभा के लिए आमंत्रण का एक नया तरीका बीजेपी निकाल चुकी है। कोरबा में पार्टी कार्यकर्ता हाथ में पीले चावल लेकर निमंत्रण पत्र के तौर पर बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिनंद दुबे का पैम्पलेट बांट रहे हैं। 16 तारीख को पीएम को सुनने आए और 23 अप्रैल को बीजेपी के पक्ष में वोट करें, ये अपील की जा रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में ये पुरानी परंपरा है, वैसे देश में हिंदुओं में पुरानी परंपरा है कि पीले चावल दिए जाते हैं आमंत्रण के लिए किसी भी शुभ कार्य के लिए। निमंत्रण के लिए जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो प्रचलन है, प्रचलित प्रथा है, घर घर जाके चावल, पीला चावल के साथ में निमंत्रण पत्र जो छपा है हमारे पार्टी की तरफ से उसको दे रहे हैं। घर घर जाकर पीला चावल देकर निमंत्रण दे रहे हैं और हमारे पार्टी की तरफ से जो पाम्पलेट है इसको भी हम दे रहे हैं। और आने वाले लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उनके उनको सुनने के लिए हम लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी हो जा रहा है और हमको लगता है कि आने वाले समय में हम बहुत ज्यादा अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे। और चलिए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजेश, आज अगर मायावती का दौरा देख ले तो उसमें भी दिखाई पड़ा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर वो निशाना साध कर गई हैं। जेसीसीजे के साथ में वो लड़ जरूर हैं लेकिन अकेले बसपा के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ पीएम की सभा के लिए पीले चावल बट रहे हैं, चुनावी माहौल पूरी तरह गरमाया, जनता के मुद्दों के करीब कोई नजर आता है आपको? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, द्वितीय चरण का चुनाव और तीसरे चरण का चुनाव, तो स्टार वार शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें तो आज बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची थी और अंबेडकर जयंती के दिन उन्होंने जांजगीर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया और अपने जितने प्रत्याशी हैं, 11 जो प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र के हैं, उन सभी को जिताने की अपील की और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर कटाक्ष किया, भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया, कांग्रेस की उस योजना पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने नकदी पैसा देने की बात की, मतलब 72,000 रुपये जो साल का देने की बात की उस पर उन्होंने कटाक्ष किया। उनका यह कहना है कि जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको ऐसा पैसा देना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो रोजगार देंगे। तो किसी तरह से इस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने क्षेत्र, अपना जो गढ़ है जांजगीर का जो गढ़ है, उसके दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को ये सभा को संबोधित करके ये उनके दिमाग में डालने की कोशिश की, अगर वो आ जाती है तो सभी दलितों, उनको, पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाएगी और पैसा जो देने की जो परंपरा जो घोषणा की कांग्रेस की उसका भी कटाक्ष किया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि ये पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पार्टी है। तो इस तरह से उन्होंने अपने गढ़ में वहां पे लोगों को संबोधित किया और अपने पक्ष में मतदान डालने के लिए वहां पर संबोधित वहां पर किया। इसी तरह अगर हम बात करें तो दूसरे स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, वो 16 तारीख को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। कोरबा में वो सभा लेंगे और भाटापारा में सभा लेंगे। पहले कोरबा जाएंगे, डायरेक्ट वो कोरबा पहुंचेंगे और वहां से सभा लेकर वे भाटापारा आएंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी ये के लोग भी ऐसी ऐसी जगह सभा कर रहे हैं जो जिस जगह पर इनकी सभा हो रही, मोदी की सभा, जहां पर 3-4 लोकसभा क्षेत्र लगता है। इसी तरह भाटापारा का जो क्षेत्र भी मानेंगे वो भी 3-4 लोकसभा का सेंटर जगह पर लग रहा है। तो इस तरह से स्टार प्रचारकों की बात करें तो स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से फिलहाल कोई स्टार प्रचारक नहीं है, केवल भूपेश बघेल, उनके मंत्रिमंडल के लोग और पीएल पुनिया जो है वो यहां पर मोर्चा संभाले हुए। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव के समय मतदाताओं तक अपनी अपनी बात पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा अपनी अपनी पार्टियों तक वोट डलवाने की कोशिश करें। इस प्रयास में बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमको राजेश बता रहे हैं कि इस समय स्टार प्रचारकों का एक दौर चल रहा है और यही पीक टाइम है। 23 तारीख को अंतिम चरण और इसके पहले 18 तारीख को दूसरा चरण, इन दोनों चरणों के लिए बीजेपी की तरफ से कई स्टार प्रचारक दिख रहे हैं। आज मायावती आई, उन्होंने भी प्रचार किया लेकिन कांग्रेस की तरफ से मोर्चा यहीं के स्थानीय नेताओं ने, खासतौर पर मुख्यमंत्री ने, उनकी टीम ने संभाल रखा है।